गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग मिस्टर अकाउंट्स। आज है 69th वीडियो। इस वीडियो में हम डेवेंचर्स के बारे में एक और नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, कोई भी कंपनी डेवेंचर्स को जब इशू करती है तो किन कंडीशंस में करती है, किन सिचुएशंस में करती है, वो बात हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये कि कोई भी कंपनी जब डेवेंचर्स को इशू करती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब डेवेंचर को इशू कर रही है तो वो उस डेवेंचर का एक प्राइस कि भाई हमको किस रेट पे इशू करना है, ठीक है, वो भी पहले से ही डिटरमाइन करके रखेगी कि भाई हमको इतने रेट में इशू करना है डेवेंचर्स को। ठीक है, तो देखो, मान लो एक कंपनी ने अपने डेवेंचर्स की कीमत रखी 10 रुपए, ठीक, 10 रुपए अपने डेवेंचर की कीमत रखी 10 रुपए कि हम जब भी डेवेंचर्स को इश्यू करेंगे तो उसको 10 रुपए में करेंगे। ठीक ठीक, ये हो गई कंडीशन, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली तो ये सिंपल ही सा, इसलिए 10 रुपए में इश्यू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि हम हमारे डेवेंचर को या फिर हमारे शेयर को, शेयर का तो मैंने आपको शेयर वाला चैप्टर बता दिया, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं डेवेंचर। तो कोई भी कंपनी ये चाहती है कि हम हमारे डेवेंचर को ऐसे इशू करें कि हमको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हो, ठीक, कोई कैपिटल गेन मिले। ठीक है, तो वही कैपिटल गेन पाने के लिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, 10 का शेयर या 10 का डेवेंचर 12 में इशू कर देती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी रहती है वो बहुत नई नई होती है तो वो क्या करती है, अपने डेवेंचर की कीमत नॉर्मल वैल्यू से कम करके बेच देती है। ठीक है, तो ये सारी है कंडीशंस, ठीक, और इन्हीं कंडीशंस का कंपनी एक्ट ने एक नाम दे दिया है, वो है पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। समझ आया कि कोई भी कंपनी अपना एक रेट डिसाइड करेगी, एक फेस वैल्यू कि भाई हमारा डेवेंचर इतने रुपए का है और हम इसको इतने रुपए में ही बेचेंगे। लेकिन जब कंपनी के पास कंडीशन है कि हाँ अब इश्यू करने की सिचुएशन, इश्यू करने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम कंपनी अगर 10 के डेवेंचर को 10 में इश्यू कर देती है तो ये हो जाती है पार की कंडीशन। ठीक, 10 के डेवेंचर को अगर 12 में या फिर 10 से ज्यादा में इशू करती है तो ये कहलाती है प्रीमियम की कंडीशन, और जब 10 रुपए से कम में, मतलब कम 10 रुपए से कम में इशू करती है तो ये हो जाती है डिस्काउंट की कंडीशन। यहां 10 रुपए मैंने एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, कोई भी कंपनी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो भी फलाना ठिकाना लिमिटेड ने अपने डेवेंचर की कीमत, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपीज रखी, ठीक है, मान लो 100 रुपीज रखी और कंपनी अपने डेवेंचर्स को 10% प्रीमियम में इशू कर रही है। देखो कंडीशन क्या है कि कंपनी की डेवेंचर की कीमत है 100 रुपीज पर डेवेंचर, ओके, और कंपनी जब उन डेवेंचर्स को इशू कर रही है तो कंपनी क्या कर रही है, 10% प्रीमियम का ले रही है। तो वो 10% क्या है, वो 10% गाइस प्रीमियम, मतलब कंपनी 100 का 10% कितना, 10 रुपए, ठीक। तो कंपनी क्या करेगी, फेस वैल्यू तो 100 रुपए लेकिन अपने डेवेंचर्स को 110 रुपए में इशू करेगी, ठीक है, समझ गए। तो 110 रुपए क्या हो गया टोटल, मतलब इशू वाली वैल्यू, और जो 100 रुपए क्या था, फेस वैल्यू, जिसका डेवेंचर जिस कीमत का रियल में है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है, ये हो गई प्रीमियम वाली बात। अब उसी एग्जांपल में डिस्काउंट वाली बात भी समझ लेते हैं। देखो वही कंपनी का एक और आपको ऐसे क्वेश्चन आया कि भाई कंपनी का जो डेवेंचर है वो 100 रुपए का है, उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए की है, ठीक है, लेकिन कंपनी किसी वजह से अपने डेवेंचर को 10% डिस्काउंट में बेच रही है। भाई हो सकता है डिस्काउंट का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक, 10% डिस्काउंट में बेच रही है तो क्या होगा, 100 में से अगर आप 10% घटाओगे तो 100 का 10% हो गया कितना, 10 रुपए। अब 100 में से 10 रुपए घटा दो कितने हो गए, 90 रुपए हो गए। इट मींस कंपनी अपने डेवेंचर को 90 रुपए में इशू कर रही है, 100 के डेवेंचर को 90 में इशू कर रही है, ठीक। तो ये 90 क्या हो गया, इशू की वैल्यू।
आप कंपनी कितने में भी इशू करे, जितने में इशू कर रही है वो कहलाती है वो वैल्यू, इशू वैल्यू, और जिस वैल्यू का डेवेंचर ऑलरेडी, मतलब जिस वैल्यू का है, ठीक है, जिस वैल्यू का बिलोंग करता है, जिस वैल्यू का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है इन ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, तो वो वैल्यू कहलाती है फेस वैल्यू, ठीक। और ये सब पता है क्यों करते हैं? हाँ करते, तो ये तो बता दिया क्यों करते हैं, ये भी सुन लो। देखो एक्स्ट्रा रुपए जो पास लेते हैं वो पता है क्यों? कुछ ज्यादा जो रेपुटेटेड कंपनीज होती है ना वो करती हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रहती है ना कि भाई हमको खाली हमारा डेवेंचर बेचने का है बिकॉज वी नीड मनी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं डिस्काउंट में इशू कर देते हैं, ठीक है। और ये पार, हाँ पार तो बिल्कुल छोड़ ही दी इसको हमने। देखो पार मतलब होता है बेटा कि जैसे डेवेंचर 100 रुपए का है, फेस वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी ने बिल्कुल 100 में इशू कर दी भाई, ठीक, तो ये होती है पार वाली कंडीशन। अब मैं आपको एक सच बता दूं कि इन रियल लाइफ, इन रियल कंडीशन, ठीक है, ज्यादातर यही होता है, लेकिन क्वेश्चन हमको ज्यादातर इसके और इसके आएंगे, ठीक है। तो हमको पढ़ना तीनों है, आपको समझ में आ गया तीनों, ठीक है, आप सारी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट कर लो तो और अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है। अब बात आती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई भी कंपनी कैसे करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको, हाँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी जब डेवेंचर्स को इशू करती है तो इशू की प्रोसेस क्या होती है, तो पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो में आना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था कि जब इशू करते हैं डेवेंचर्स तो कैसी कैसी एंट्री होती हैं, किस किस कंडीशन में, ओके, ठीक। तो अब हम आते हैं कि उन्हीं एंट्रीज में, जो मैं एंट्रीज मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, उन्हीं एंट्रीज में क्या चेंजेस आता है जब शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होते हैं, ठीक है, सॉरी डेबेंचर या शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं पार की कंडीशन, इससे क्या होगा आपको एक नॉर्मल चीज पता चल जाएगी कि भाई पार क्या होता है और कैसे एंट्री होती है, फिर हम उसमें चेंजेस लाते जाएंगे प्रीमियम और डिस्काउंट के अनुसार। तो देखो सबसे पहले कोई भी कंपनी ने डेवेंचर्स को इशू करी, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन करी, तो एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आया, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पैसा आने की, एप्लीकेशन का पैसा बैंक अकाउंट होगा डेबिटेड, ठीक, टू डेवेंचर्स, है ना, सॉरी डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक, ये हो गई क्या है कि पैसे आने की कौन सी मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक। अब इसके बाद जो एंट्री होगी वो होती है डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेवेंचर अकाउंट, ठीक, ये हो गई कौन सी, इसके ट्रांसफर की एंट्री की, जो अमाउंट हमको मिला हमने उसको डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल एंट्री एप्लीकेशन की। अब आती है अलॉटमेंट की एंट्री इसके बाद, ठीक है। तो अलॉटमेंट में देखो क्या होता है कि पहले कोई भी कंपनी एक ड्यू डेट निकालती है कि भाई इतनी तारीख को आपका पैसा, आपके अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाना है, ठीक है, तो वो ड्यू की एंट्री कैसे होती है वो देखो। देखो डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेबेंचर अकाउंट, ये पता है इसका मतलब, इसको मैंने पता है ये जो चीज है ना इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए बोल रहा हूँ पहले वो वीडियो देख लेना, ओके, ये ठीक, ये हो गया क्या कि ड्यू की एंट्री। अब बात आती है कि पैसा ड्यू तो हो गया लेकिन पैसा अभी तक मिला तो नहीं है, ठीक, एक डेट आई पर्टिकुलर कि भाई इतनी तारीख को पैसा मिलना था, और उस तारीख को पता है कंपनी क्या करती है, सबको मैसेज पहुंचा देती है कि आप हमको पैसा दो अलॉटमेंट का, तो अब आएगा अलॉटमेंट का पैसा, ठीक, पैसा आएगा तो होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेवेंचर अलॉटमेंट, कि हमको डेवेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ठीक है गाइस। तो ये हो गया बहुत सिंपल सी चीज जो कि हमने शेयर में भी पढ़ी थी कि पार की कंडीशन में कैसे इशू करते हैं, ठीक है। यहाँ डेवेंचर आ गया क्योंकि हम यहां पढ़ रहे हैं डेवेंचर और डेवेंचर को कैसे इशू करते हैं, ठीक, तो ये होगी पार की कंडीशन कंप्लीट। अब प्रीमियम अच्छे से देखो, ठीक है, देखो प्रीमियम
प्रीमियम में मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी 10 का 12 ले रही मान लो, ठीक है, जैसे ये है 10 रुपए का फेस वैल्यू और सोच रहे कि हम 12 रुपए एज अ प्रीमियम ले लें और टोटल जो इश्यू वैल्यू है वो 12 कर दें, ठीक, ये कंडीशन में होता है, ठीक, ये ऊपर लाइन खींच लेते हैं, 10 का है प्लस 2 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं और टोटल इश्यू वैल्यू है 12, ठीक, ये डेवेंचर की फेस वैल्यू है, याद रखना इस चीज को, ठीक। अब और हाँ एक और चीज, कोई भी कंपनी जब भी प्रीमियम का पैसा लेती है तो वो सीधे सीधे एप्लीकेशन में कभी नहीं लेती, ठीक है, आपको अगर लेती भी होगी तो आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि भाई एप्लीकेशन में पैसा लिया है प्रीमियम का या फिर अलॉटमेंट में लिया है या फिर कॉल्स में लिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी है कि प्रीमियम का पैसा कब लिया गया तो आप क्या करेंगे, उस प्रीमियम के पैसे को कब मानेंगे कि ये पैसा अलॉटमेंट में मांगा गया, ठीक है। देखो ये एंट्री जो है वो तो सिमिलर होंगी, ठीक, ये एंट्री होगी सिमिलर एज इट इज, ठीक, ये एंट्री भी होगी सिमिलर एज इट इज, क्योंकि देखो डेवेंचर को हमने एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा आया और उस एप्लीकेशन के पैसे को हमने डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक, और ये जो पैसा है 2 रुपए ये मिल रहा है हमको अलॉटमेंट में, मतलब कंपनी इन 2 रुपए को अलॉटमेंट में मांग रही है, ठीक है, ये अब इसकी एंट्री ध्यान से समझना, ठीक है। देखो कंपनी सिमिलरली अपने डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी, ठीक, ये लाइन है इसको मिटा देते हैं, ठीक, अपने डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेगी, ठीक, अब क्रेडिट क्या करेगी ये देखो, देखो सबसे पहली चीज कि क्रेडिट करेगी डेवेंचर अकाउंट, डेवेंचर अकाउंट, डेवेंचर अकाउंट देखो कैसे, देखो हाँ एक और चीज मैंने आपको क्या बताया, डेवेंचर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, इसलिए क्या होता है कंपनी ने अपने डेवेंचर की जो फेस वैल्यू जितनी डिसाइड की है उसी वैल्यू से वो डेवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करती है, ठीक है, मतलब जैसे कंपनी ने डिसाइड कर लिया हमको 10 ही रुपए का हमारा डेवेंचर है तो मतलब जब भी पैसा भले कोई सी भी कंडीशन हो जाए, अगर फेस वैल्यू कंपनी ने 10 रुपए डिसाइड करी है तो डेवेंचर अकाउंट में पैसा 10 ही रुपए के हिसाब से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहां देखो कंपनी ने क्या करी, ये ड्यू की एंट्री चल रही है, डेवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेगी तो करेगी 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और इसके साथ साथ एक न्यू अकाउंट ओपन होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये वही प्रीमियम है जो कि कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है, तो उस प्रीमियम को वो कितने हिसाब से ले रही है, 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो टोटल पैसा ड्यू कितने के हिसाब से है, मतलब जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो पैसा है वो बोलेगी आप हमको 12 रुपए दो, समझ रहे हो, ये तो पता है ये सब इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज, मैं सही से बताऊं तो ये क्या है, ये वो है कि कंपनी लोगों से बोल रही है कि आप हमको 12 रुपए के हिसाब से पैसा दो, ठीक है, और सामने वाला 12 रुपए के हिसाब से पैसा दे रहा है और कंपनी क्या कर रही है उस पैसे को 12 रुपए में से 10 रुपए डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है क्योंकि 10 रुपए वहीं के बिलोंग करते हैं और जो 2 रुपए हैं वो एक्स्ट्रा लिए हैं तो वो कहाँ के बिलोंग करते हैं, रिजर्व के, बढ़िया बिल्कुल रिजर्व बनाते जा रही है, ठीक है, इसलिए लेते हैं ये, और ये रिजर्व का इस्तेमाल कोई बुरे काम में नहीं होता, इस रिजर्व का इस्तेमाल होता है एक्सपेंसेस को रिकवर करने में, ओके, हाँ तो ये हो गई, देखो ये होगा 12 रुपए से डेबिट, कौन सा, डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कि हमको 12 रुपए के हिसाब से पैसा लेना है, ठीक, और ये होगी ड्यू की एंट्री कि भाई 10 रुपए के हिसाब से पैसा यहां जाने का है और 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जाने का है, अब भैया पैसा आएगा, ठीक, तो वही बैंक अकाउंट होगा डेबिट, ठीक गाइस, पैसा जो है वो 12 रुपए के हिसाब से आ रहा है, मैटर नहीं करता कितना कोई कौन सी भी वैल्यू हो, सामने वाला बंदा पैसा 12 रुपए के हिसाब से दे रहा है तो बैंक अकाउंट 12 रुपए के हिसाब से ही डेबिट होगा, ठीक है। अब बात आती है क्रेडिट कैसा होगा, तो क्रेडिट ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल है कि डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हमने 12 से डेबिट किए थे तो उसको सेटल करेंगे हम और 12 रुपए से ही उसको डेबेंचर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गई, ये हो गई प्रीमियम वाली कंडीशन। अब आती है डिस्काउंट वाली कंडीशन, देखो हाँ प्रीमियम
प्रीमियम वाली कंडीशन में हाँ ठीक है, एक और चीज कि जैसे मान लो कि अब कंपनी ने डिसाइड करी कि 2 रुपए तो प्रीमियम है, लेकिन हम 1 लेंगे अलॉटमेंट में और 1 रुपए लेंगे कॉल्स में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितना जैसा जैसा चल रहा है तो कुछ रटना नहीं है ना, समझना कि भाई ऐसे करते हैं और फिर आप उसको कॉल्स में वही अप्लाई कर देना, यहाँ 1-1 रुपए के हिसाब से कर देना और जब कॉल्स आएंगे तो फिर उस हिसाब से कर देना, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उधर मुझसे सवाल कीजिए, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं डिस्काउंट वाली कंडीशन। देखो डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंपनी जब नई नई मार्केट में आती है तो वो अपने डेवेंचर्स को इशू करने के लिए एक तरीका अपनाती है कि भाई हम उन डेवेंचर्स को नॉर्मल वैल्यू से कुछ कम में दें, ठीक है, तो उनको कम में देने के लिए कंपनी एक डिसाइड करती है कि भाई हमको इतना पैसा लेना है और इतना डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो मान लो कि कंपनी ने डिसाइड की कि हम फेस वैल्यू तो भाई 10 रुपए डेवेंचर की, हम देंगे कितना डिस्काउंट, 10% 10% हम देंगे डिस्काउंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 10 रुपए का तो पार्टी पर डेवेंचर था माइनस 10 रुपए का 10%, 1 रुपया, ठीक, 1 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट, मतलब 9 रुपए में डेवेंचर्स को इश्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो सिमिलरली ये जो एंट्री होगी वो होगी एज इट इज, ठीक है, क्योंकि जो हाँ एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में ही माना जाता है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती, सिमिलरली अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती तो डिस्काउंट का पैसा भी अलॉटमेंट में ही माना जाता है कि भाई अलॉटमेंट में हम इसकी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एंट्री होगी एज इट इज, ठीक, पैसा आ रहा है सिमिलरली, हाँ, और पैसा जो आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि भाई कंपनी ने किस हिसाब से बोलवाई है, जैसे अब टोटल 9 रुपए हैं तो भाई एप्लीकेशन की जो 2 रुपए बोलवाई तो बोलवाई उस हिसाब से, ध्यान रखना यहाँ पे उसी हिसाब से डेबिट या क्रेडिट होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो उस वीडियो में आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखो अब बात ये मेन बात कि डिस्काउंट हमको देना है अलॉटमेंट में, तो देखो पैसा, देखो सिमिलरली डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट होगा डेबिट, ठीक, इसको सबसे पहले आप डेबिट कर लो, फिर उसके बाद टू, डेवेंचर अकाउंट में जाएगा पैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवेंचर अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, तो डेवेंचर अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 10 रुपए के ही हिसाब से, ठीक, क्योंकि यार फेस वैल्यू जो है ना पर डेवेंचर की वो 10 ही रुपए है, इसलिए 10 रुपए के हिसाब से ही डेवेंचर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अब बात ये आती है कि भाई जो 1 रुपए है वो कैसे होंगे एडजस्ट, तो ये देखो कि कंपनी 1 रुपए को डिस्काउंट मानती है तो कंपनी वो एक एक्सपेंसेस है, तो एक न्यू अकाउंट ओपन होगा कि डिस्काउंट ऑन डेवेंचर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेवेंचर अकाउंट होगा डेबिटेड, और जितने का डिस्काउंट है वो अमाउंट हम यहां लिख देंगे और उस अमाउंट को माइनस करके 9 रुपए वहां लिख देंगे, ठीक है। इस एंट्री का सेंस क्या निकला, इस एंट्री का सेंस ये निकला कि कंपनी 1 रुपए डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपए क्योंकि डेवेंचर अकाउंट में 10 ही रुपए के हिसाब से पैसा गया है और डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 9 रुपए के हिसाब से ड्यू हुआ है, मतलब कि इतना पैसा हमको मिलना है, सिंपल, ठीक है, मतलब हमको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो हमारा डेबिट होगा कैश वो होगा 9 रुपए के हिसाब से, ठीक, क्योंकि सामने वाले बंदे को जब हमने डिस्काउंट दिया है तो हम उससे पूरा पूरा पैसा क्यों लेंगे, जितना पैसा उसके 9 रुपए का बनता है भाई तो 9 रुपए का ही देगा ना वो, तो पैसा जो आएगा वो 9 रुपए के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। और अब बात आती है कि क्रेडिट क्या, तो वही क्रेडिट डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक, डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट होगा वो क्रेडिट 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो ये थी डिस्काउंट वाली कंडीशन, देखो हमने क्या किए, 9 रुपए के हिसाब से हमने इशू किए, ठीक, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 10 रुपए क्रेडिट कर दिए, 1 रुपए का डिस्काउंट, 9 रुपए का इशू,
ठीक है, और हमको जो पैसा मिलना था वो 9 रुपए के हिसाब से मिलना था, क्योंकि हमने पब्लिक को 9 रुपए के हिसाब से ही पैसा ड्यू किए थे कि भाई आप हमको 9 रुपए देना है। ठीक है, तो ये हो गई डिस्काउंट की भी कंडीशन। गाइस ये था 69th वीडियो। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है और कैसे कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा 70th वीडियो, उस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में तीन कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 ऐसी तीन तीन कंडीशंस रहेंगी, और हम उस क्वेश्चन को तीनों कंडीशन के हिसाब से करेंगे, और तीनों कंडीशन रहेंगी पार की, प्रीमियम की और डिस्काउंट की। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको उस एक क्वेश्चन में तीनों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था 69th वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।